आईएम के आमदार वारिस पठान के द्वारा केंद्र सरकार के महंगाई व रेलवे प्रशासन के खिलाफ भव्य मोर्चा का आयोजन किया। इस मोर्चा में चांदीवली विधानसभा के युवा कार्य सम्राट नेता इमरान कुरैशी अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली में शामिल हुए। बस, प्राइवेट कार, बाइक द्वारा समर्थक मोर्चा में शामिल हुए। रे रोड से आमदार वारिस पठान को समर्थकों के साथ भाई खला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका विरोध इमरान कुरैशी ने किया। हमारे ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा ने इमरान कुरैशी और वारिस पठान से खास बात की। देखने वाले सभी दर्शकों का, मेरा यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा का नमस्कार। जैसा कि आज ये आईएमआईएम का विशाल मोर्चा का आयोजन रई रोड में होना था, लेकिन पूरी की पूरी जनता आज यहाँ भाई खला पुलिस स्टेशन में खड़ी है। हमारे साथ खड़े यहाँ पर उत्तर मध्य मुंबई जिला के चांदीवली विधानसभा के कार्य सम्राट युवा नेता इमरान कुरैशी जी, उनसे जाना चाहेंगे। इमरान भाई, सारी भीड़ तो रई रोड में होनी चाहिए थी, यहाँ क्यों? रई रोड से हमारे वारिस पठान साहब को अरेस्ट करके पुलिस ने यहाँ वैन में डाल के यहाँ लेकर आया है। हमारे हम सब जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे भाई खला पुलिस स्टेशन में वारिस पठान साहब अंदर है, और आप देख ही रहे हैं सब, हमने जो रेलवे प्रशासन के खिलाफ जो मोर्चा निकाला है, और जो महंगाई के खिलाफ जो बीजेपी सरकार ने गैस पेट्रोल हर चीज़ की महंगाई हो गई। आज हर गरीब आदमी के ऊपर इसकी मार पड़ रही है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमने आवाज़ उठाई है, हमारे साथ सब आप ये सब जिम्मेदार लोग आईएमआईएम के मौजूद हैं। और मैं एक सीधी बात आप जानना चाहूँगा, जैसा कि अभी हाल ही दिनों में मंच के लिए तरह से विशाल मोर्चा का आयोजन किया गया था, उनका कार्यक्रम सफल हो गया और आप लोगों को इस तरह की जाती हमारे पर हम कोई कंपनी से तो लड़ने रहे, तो ये पार्टी ने निकाला वो पार्ट, हम तो हमारे काम से मतलब है। हम जो आवाम के ऊपर जो जुल्म जास्ते हो रही है, उसके खिलाफ हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, वारिस पठान साहब हैं, हाजी अब्दुल हमीद साहब हैं, मुंबई के जो और भी जिम्मेदार लोग हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग सब मिलकर ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अब हम चलते हैं हाजी अब्दुल हमीद साहब के पास। हाजी अब्दुल हमीद साहब बाहर आ चुके हैं, देखते हैं क्या अंदर हुए। हमीद साहब, क्या अंदर प्रक्रिया चालू है? वारिस पठान को आप लोगों को अर्जेंट कर लिया गया, क्या प्रक्रिया चालू हुई? हमारे दोस्त इंक्वायरी कर रहा है और उसके बाद हमारा नाम और एड्रेस लिया जा रहा है और उसके बाद हम लोग बोलेंगे छोड़ेंगे। तो ये मतलब मुझसे आपका विफल कर दिया गया, फिर अगला कदम स्टेप आप लोगों को क्या होगा आगे के लिए? हम लोग अभी वापस सोचेंगे, अगर इन लोगों ने हमारे बारे में हमारी मांग सुनी मांग पूरी नहीं की आगे सोचेंगे। जाहिर तौर पर एक जो कार्रवाई पुलिस ने की मोर्चे को नहीं करने का, उन्होंने जो फैसला लिया था उसको स्थगित कर लिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर एआईएमआईएम के हाजी अब्दुल हमीद जी वाल पठान जी क्या निर्णय लेते हैं। कैमरामैन जोर के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, भाई खला पुलिस स्टेशन। हमारा एक पीसफुल मोर्चा था, हेल्पी स्टैंड रोड पे स्टेशन पे जो स्टैंडमेंट हुआ था, तेईस लोगों की जाने चले गई थी। हमने मांग किया था कि सबसे खिलाफ एफ आई आर हो 304 ए का नेग्लिजेंस का, और जो भी कर्मचारी अथॉरिटी इन्वॉल्व है उसको अरेस्ट किया जाए। मगर कल जो रिपोर्ट आया सरकार 5 सितंबर कमेटी का, जो वेस्टर्न रेलवे की थी, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया और कहा ये जो 23 लोगों की जाने गई ये बारिश की वजह से गई, रेलवे प्रशासन की गलती नहीं गई। हमने सरकार को कल समझ है कि सरासर गलत है। ये जो ब्रिज का 1867 में बना था, आज 100 साल से पुराना ये ब्रिज है और लोग 3 लाख लोग डेली यहाँ से ट्रेवल करते हैं। इतनी खस्ता हालत में ये काफी लेटर्स लिखे थे रेलवे अथॉरिटीज को, रेलवे मिनिस्टर को, क्या प्लीज ब्रिज की मरम्मत कराइए, पर वो नहीं की। इसकी वजह से जानेंगे, हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सुपरविजन में एक हाई लेवल इंक्वायरी का गठन किया जाए और जो भी रेलवे प्रशासन का कर्मचारी या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वॉल्व है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो 304A के। तो हमने प्रदर्शन किया आज हमारे एरिया में रेलवे स्टेशन पे, पुलिस ने हमको उठा के यहाँ पे लेकर आ गई। मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर अभी सरकार नहीं जागी हम ये आंदोलन को यहाँ नहीं खत्म करेंगे। आज हमने पीसफुल आंदोलन किया, लेकिन अगर एफआईआर नहीं हुआ और जो भी वो 23 लोगों की जान का जिम्मेदार था सलाखों के पीछे नहीं किया गया, हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। और आप देख सकते हो लोगों में कितना उत्साह है, कितना गुस्सा है। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप तुरंत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सुपरविजन में एक इंक्वायरी पैनल का गठन करें और पूरी इंक्वायरी करें और 304A का सेक्शन लगाए, क्योंकि ये जो जाने गई है ये सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से की है, ये एक मैन मेड डिजास्टर था
ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, आपकी वजह से 23 लोगों की जाने गई और हमने 27 दी। हमने क्या गलत किया? मगर संविधान के मुताबिक हमने एक बदला हमारी जो बात सरकार के सामने रखनी चाहिए, मगर पुलिस ने हमको आके सीधा अरेस्ट करके लाके अंदर डाल दिया, डिटेन किया। लेकिन मेरे भाइयों की छोरों से, इनके साथ से, इनके समर्थन से हमने पुलिस ने हमको ध्यान किया है। अब आगे हमारी मुहिम को जारी रखेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम हमारी मुहिम को जारी, क्योंकि बीजेपी सरकार ऑफ हो चुकी है, फेल हो चुकी है, हर माशरे में फेल हो चुकी है, चाहे महंगाई हो,